हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्वागत है सीता कुकिंग चैनल में। आज बनाने वाली हूँ चिकन कड़ी और दूसरे स्टाइल से बनाने वाली हूँ। आज कढ़ाई में बनाने वाली हूँ दोस्तों। ये भी बहुत टेस्टी और स्वादिष्ट लगता है, ऐसा भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। थोड़ी टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छा इसका टेस्ट और कुकर की टेस्ट अलग हो जाती है। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैंने सरसों का तेल रख दी हूँ। यहाँ पे हरी मिर्च और लाल मिर्च और तेजपत्ता भी डाल दी हूँ। यहाँ पे मैंने 2 लहसुन छील के रखी थी, उसको भी मैंने डाल दी हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन है तो मैंने यहाँ पे 300 ग्राम मैंने यहाँ पे ले रखी हूँ प्याज। प्याज था बड़ी बड़ी, 4 प्याज थी, उसको मैंने छोटी छोटी गोल आकार में काट रखी हूँ दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे इन सारे को, प्याज को और मिर्च और तेजपत्ता को साथ में हमें फ्राई करना है। इसको इसको देख लीजिए, 3-4 मिनट फ्राई की, उसके बाद से मैंने नमक डाल दी हूँ कि प्याज यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और चिकन में पता ना चले दोस्तों। यहाँ पे नमक डालकर उसके बाद से मैं यहाँ पे चिकन डाल दी हूँ। और चिकन डालने के बाद से 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर डाल दी दोस्तों। और टमाटर यहाँ पे 2 कटा हुआ था तो टमाटर भी डाल दी हूँ। आप चाहे तो टमाटर डाले या नहीं चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। टमाटर से भी जिसको थोड़ी खटापन आ जाता है, टेस्ट आ जाती है दोस्तों। बहुत आदमी को पसंद नहीं होती है चिकन में, तो आप इसको नहीं डालें। और यहाँ पे देखिए मैंने चम्मच से चला रही हूँ अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं कलर कितना बेहतरीन हो गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मैंने क्या कर दी, इसको हटाई फिर, और हटाकर फिर से मैं चला रही हूँ। आप देख सकते हो प्याज और चिकन बिल्कुल मिक्स हो गए हैं, आप देख लीजिए। फिर से मैंने थोड़ी ढक दी हूँ थोड़ी देर के लिए, मैंने यहाँ पे 2 मिनट के लिए ढक के फिर बीच बीच में मैं चढ़ा रही हूँ। और यहाँ पे देख लीजिए मैंने यहाँ पे लोहे वाली कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि लोहे की कढ़ाई की आयरन होती है, इससे स्वादिष्ट बनती है। और मैंने 1 चम्मच काली पाउडर और जीरा पाउडर मैंने यहाँ पे मिक्स मैंने डाल दी हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने तीखी वाली मिर्च डाली हूँ 1/2 चम्मच, और इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ दोस्तों, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने देगी मिर्च डाली हूँ 1/2 चम्मच, इसको भी अच्छी तरह से मैं मिक्स कर रही हूँ। ये देख लीजिए कलर कितना बेहतरीन लग रहा है। 1/2 चम्मच मैं यहाँ पे गरम मसाला डाली हूँ, सारा मैं अपने हाथ से ही मसाला तैयार करती हूँ, आप देख सकते हो। MDH मसाला है थोड़ी, ये भी चिकन मसाला है, इसको भी मैंने थोड़ी डाल दी हूँ 1 चम्मच के आसपास मैं डाल दी हूँ। यहाँ पे थोड़ी पानी हल्का हल्का डाल के मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ दोस्तों। ये देख लीजिए यहाँ पे 5 मिनट तक फ्राई हमें करना है, थोड़ी थोड़ी पानी रख रख के दोस्तों, कि यहाँ पे कढ़ाई में चिपके नहीं, आप देख सकते हो। फिर से मैंने यहाँ पे ढक दी 5 मिनट के लिए, ढक दी फिर मैंने हटा दी दोस्तों। यहाँ पे देखिए कितना कितना यहाँ पे बनकर तैयार हो गया, कितना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में ही। आप इसको रोटी चावल के साथ खा सकते हो। मैंने ग्रेवी के अनुसार से पानी यहाँ पे डाल दी, थोड़ी थोड़ी मैंने पानी डाली, अब ग्रेवी के अनुसार से ही पानी डाले दोस्तों, क्योंकि मुझे ग्रेवी ज़्यादा नहीं डालनी है। बच्चों बोल रहे हैं ऐसी थोड़ी बनाने के लिए, इसलिए ज़्यादा ग्रेवी नहीं डालूंगी। आप देख सकते हो कितना स्वादिष्ट बनकर यहाँ पे तैयार हो गया है। 2 मिनट तक फिर मैंने ढक दी, अब देखिए यहाँ पे उबल चुका है। और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना ग्रेवी दोस्तों, देख के ही मुँह में से पानी आ रहा है। और मैं यहाँ पे देखिए ग्रेवी बहुत कम रखी हूँ, अब चाहे तो ग्रेवी रख सकते हैं इसमें, मैं हल्का रखी हूँ, ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ। इसको गर्मा गर्मा आप रोटी और चावल के साथ खाए, बहुत स्वादिष्ट लगेगा दोस्तों। गर्मा गर्मा सब करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर।